बरेली में एक विधवा महिला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। विधवा महिला ने एक दरोगा को आरोपित करते हुए कहा है कि दरोगा उसके साथ गलत काम करना चाहता था और विरोध करने पर उसके नाबालिग बेटे को बेरहमी से पीटा है। चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू, यह नजारा हबीबगंज की रहने वाली विधवा महिला सत्यवती का है। सत्यवती के मुताबिक उसके घर पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था और उसका मलबा सड़क किनारे डाल दिया। इसी को लेकर पड़ोसी से कहासुनी हो गई और मामला थाने तक जा पहुंचा। महिला सत्यवती ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरोगा मुझ पर बुरी नीयत डाल रहा था और मुझको अपने कमरे पर बुलाने की बात कह रहा। सत्यवती जी जानना चाहेंगे, जो आदित्य दरोगा जी हैं उन्होंने क्या शर्त रखी थी और क्यों रखी थी, क्या है पूरा मामला? उन्होंने कहा मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आओ, मेरे कमरे पे आओ, आया करो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं किसी का कुछ भी काम कर सकते, खा लेते हैं रोटी, मगर ऐसा कैसे नहीं करूँगा। मेरे बच्चे बड़े हो चुके, थोड़े थोड़े पल गए सबके बीच में, मगर ऐसा नहीं करूँगा। अरे नहीं करेगी तो बच्चों को सताऊँगा, अब मारूँगा, अब मुझे गलत गालियाँ देने लगे, मेरी किवाने खटखटाने लगे, इधर रात में आ करके बच्चों के साथ में बच्चों को धमकाया, बच्चों को मरने के साथ में ये करेंगे, बच्चों ने मना करा, हमने ही मना करा था बच्चों को। थाने में ले जाके पीटा, कल यहाँ से दे रहे उठा के धमकियाँ दे रहे कि मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेरी माँ बहन सबके लिए गालियाँ नहीं, मैं थाने में गई थी, मुझको भी गाली दी। अब आप क्या चाहते हो? मैं तो इतना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे न्याय चाहिए। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद मेरे पड़ोस वाले से हुआ, मेरे पड़ोस वाले से विवाद हुआ। मेरा मकान मैंने अपना टूट फूट मरवाई थी, वो मैंने वहाँ गली में डाल दी थी। मैंने कहा यहाँ पर घोल बना के डाल दूँगा, सफाई हो जाएगा तो मैं भी निकलूँगा, ये भी निकलेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। टूट फूट पड़ी हुई वहाँ पर, तो उसने तो नहीं, मगर इसने हमारे साथ गलत व्यवहार बनाने के संबंध सोच लिए दरोगा ने, आदित्य दरोगा ने। हाँ, तो उसने मेरे कल मकान की चाबी भी छीन ली और मोबाइल ही मेरा रख लिया, जो मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाया। तो जब मैंने कहा भैया मुझे मोबाइल दे दो, वहाँ पर सिपाही लोग थे, तो वो कहने लगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, कोई नंबर नहीं लगेगा, ना फ़ोन करोगे। क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अजय जी, क्या है पूरा मामला, क्यों थाने में ले जाके आपकी संग पिटाई की गई? ये हमें धोखे से उठवाया था आदित्य दरोगा जी ने, बोले थे कि क्या कहते हैं आपको एस एस साहब और वहाँ पर पिटानी बैठे, वहाँ उन्होंने बुलाया है, तो वहाँ पे कोई नहीं था। जैसे कि मैं गया था वहाँ पे कोई नहीं था, तो मुझे गाड़ी से उतरते ही उन्होंने हाथ पाँव मारे थे और फिर वहाँ से नीचे से खदेड़ा था, और मुंशी जी के और पिस्तक हमें वहाँ पे रस्सी से बनवा के डलवा दिया और जान से मारने की धमकी दे रहे थे, गला दबाया था वहाँ। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? ये कुछ अशीली हरकतें करना चाह रहे थे मम्मी के साथ। अच्छा, मम्मी ने विरोध किया था, तुम्हें उठा के लिए विरोध किया था इस बात का, तो हम उनसे कह रहे थे कि तुझे जान से मार डालूंगा और तेरे साथ ऐसा ही करता रहूंगा।